हमारा ये जो सेशन है ये हिंदुत्व को लेकर है, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया है। तो ठीक है, आपकी बात सही है कि मोदी जी की जो रिफॉर्म्स हैं उसको बंगाल से जो यहाँ का एस्पिरेशनल यूथ है वो देख रहा है, ठीक है। लेकिन फिर आपको टीएमसी के लोगों की क्या जरूरत पड़ गई है? उन्हीं टीएमसी की पार्टी के लोगों की आपको जरूरत क्या पड़ गई है मोदी जी की एस्पिरेशंस को सच कराने के लिए यहां पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज आप ज्यादा अधिकृत रूप से बता सकते हैं 12-13 करोड़ लोगों की पार्टी होगी। जो आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में 12 करोड़ लोग हैं, वो सब क्या भारतीय जनता पार्टी के खानदान में ही पैदा होकर के इतने बड़े हुए थे? जब पार्टियों का विस्तार होता है, जो विचारधारा के साथ में जुड़ने के लिए हमारे साथ कदम ताल करने के लिए तैयार है, जिसने बंगाल के दर्द को महसूस करके और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करने के लिए सहमति ज्ञापित की है, क्या उसको हम अनटचेबल मान सकते हैं? और देखिए, जब जहाज डूबता है तो लोग कूद करके नावों में, दूसरी नाव में तैयार होते हैं, दूसरे तवैतरणी की तलाश करते हैं। ये कोई नया विषय नहीं है कि ये कोई केवल बंगाल में हो रहा है और हमको खोजने जाना पड़ रहा है और लोग आ रहे हैं। लोग आएंगे, हमारा कर्मा और कारमा और भी बड़ा होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी का समुद्र है, इसमें जो आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग करके हमारे साथ काम करे। TV9 भारत वर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर।